हम बात कर रहे हैं इजी ट्रिप की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में 3% के ऊपर की गिरावट के साथ स्टॉक ने हमको क्लोजिंग दिखाई है। इससे पहले स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा, हमको लोअर लो पैटर्न यहाँ देखने के लिए मिला है। 44 के ब्रेकडाउन के बाद हमने डिस्कस किया था 40 के तगड़े सपोर्ट को, 40 तक का फॉल देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। स्टॉक ने उसी के आसपास से रिकवरी दिखाई, एक जंप आया था 46 के लेवल से। अगेन स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, लेकिन इस रिजेक्शन के साथ इस लो को ब्रेकडाउन नहीं किया। अगेन जंप आया 43-42 के लेवल से, स्टॉक बाउंस बैक हुआ लेकिन अपने हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगेन सेलिंग देखने के लिए मिल रही है, लेकिन इस सेलिंग के साथ स्टॉक अपने सपोर्ट एरिया पे ही सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। 44 का जो लेवल है इसको ब्रेकडाउन करता नज़र नहीं आ रहा है। हम देख सकते हैं इसी सपोर्ट पर स्टॉक सपोर्ट लेकर काम करता नज़र आ रहा है। अब स्टॉक को बड़ी तेज़ी के लिए 44 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। अगर स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो रिकवरी दिखा सकता है, लेकिन इस जंप के साथ अगर रिजेक्शन लेके अपने इस लो को ब्रेकडाउन कर गया तो अगेन फिर 40 तक का हमको फॉल इजी ट्रिप में देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ से अगर स्टॉक बाउंस बैक होता है और इस लेवल को 48 के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन होता है तो वैसी कंडीशन में इजी ट्रिप का खेल पलटते नज़र आ सकता है। इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक का इमीडिएट जो टारगेट बनेगा, जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है 46 का लेवल, इसको ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 48 का लेवल, और स्टॉक 48 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर हमको इजी ट्रिप में लगातार तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। फिर इसका हाई भी है ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन कंडीशन रहेगी स्टॉक को 48 के ऊपर 2-3 दिन सस्टेन होना। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।